जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह के हमारे फौजी नौजवान भी शहीद हुए हैं और चाइनीज पे जो हमारे दोस्त हैं उनके मामलों पर भी हम सीरियस कंडेम करते हैं, पूरा ईवान इसके ऊपर। फैसलाबाद में हालिया दिनों में जी एक 22 साल बच्चा आसिफ इशफाक मोटरसाइकिल पे आ रहा था और पतंग की डोर से उसकी गर्दन जो है वो तन से जुदा हो गई। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस मौका पर ये चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ भी की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई खासा इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि जनाब स्पीकर साहब इस ईवान में हमें इतफाक़ राय कायम करके इस पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान में पैगाम जाए कि जो लोग रिश्वत लेकर ये डोर बना के दे रहे हैं, जो इदारे मुलव्वस हैं। जी ठीक है, ठीक जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब जी, माइक खोल देंगे। जनाब स्पीकर साहब, जो जिस इलाके में इस तरह का कोई वाकया पेश आए, मैं समझता हूं कि जो जरा सी पैसे लेकर जो बना के दे रहे, जो डोर बना के देने की इजाजत दे रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ इशफाक के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है जनाब। पीर इमरान शाह साहब, पीर इमरान शाह साहब दुआ कीजिए। ये हो गया, मैंने फौजियों का नाम ले लिया। एक बात कर जी, जो आपने फरमाया कि हमारे जवान शहीद हुए, न कि वो शहीद हुए बल्कि उन्होंने ये यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जितने दहशतगर्द थे उन सबको उन्होंने मारा, लेकिन इस कौम की एक एक इंच की उन्होंने हिफाजत की जी। तो ये यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। कौन दुआ करेगा जी? इमरान, पीर इमरान शाह साहब तशरीफ रखते हैं। रियाज फतियाना साहब दुआ कराएंगे। रियाज फतियाना साहब का माइक खोलें, दुआ कराएंगे। रियाज फतियाना साहब का जी तो सुन लेना सर। जी बात दुआ करें रियाज साहब। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे फैसलाबाद के साबिक MNA राय सलाहुद्दीन भी पिछले फरवरी में फौत हो गए हैं, जनवरी में। उनके लिए हमारे हाउस के उनके साहबजादे भी MNA बनकर राय हैदर खान हमारे पास आए हुए हैं। उनके वालिद हैं मौजूदा MNA के और साबिक MNA, उनके उनको भी साथ शामिल किया। दुआ कराएं फतियाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फराहम करे और इनके लवाकीन को सब्र जमील अता करे। और पाकिस्तान में जितने भी शोदा शहीद हुए हैं इस दौरान में, और यो लोग हमारे मज़ीन शहीद हुए हैं या वफात पा गए, सबकी मगफरत की जाए। बहुत मेहरबानी।